Hey guys, I am Madhulika. Today I am sharing with you the information about water retention and bloating. Water retention और bloating होती क्या है? जब भी हमारा शरीर बहुत ज़्यादा excess में पानी को सोख लेता है और हमारा पेट भी बहुत ज़्यादा फूला रहता है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, इसका मतलब ये है कि हम water retention और bloating के शिकार हो गए हैं। उसका reason क्या होता है? सबसे पहले तो हम लोगों को जो आजकल पता है कि हमें बहुत ज़्यादा प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए, तो लोग सुबह ही सुबह मॉर्निंग में एक के बाद एक ग्लास पानी पीना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण उनके बार बार यूरिन तो उनको पास होता है लेकिन उनको पेट में बहुत ज़्यादा पानी उनके भर जाता है। उसका नतीजा ये होता है कि ना तो उनको खाने की भूख लगती है और ना ही उनको नाश्ते की भूख लगती है, पूरे दिन पानी ही भरा रहता है उनके पेट में और वो यूरिन पास करते रहते हैं। पहला रीज़न ये होता है, पानी पीना चाहिए मॉर्निंग में, लेकिन 2 ग्लास वाटर अगर आप लेते हैं तो मॉर्निंग के लिए उतना भी इनफ है, बाकी का पानी आप पूरे दिन भर में पीजिए। सेकंड रीज़न ये होता है कि जो भी हम फ्रूट सैलेड, वेजिटेबल सैलेड या दही, ऐसी कोई भी चीज़ खाते हैं जो नमक डालने के बाद पानी छोड़ती है, तो उसको हमें बिना नमक डाले ही खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसमें फ्रूट सैलेड, वेजिटेबल सैलेड या दही के अंदर नमक डाल के खाएँगे तो क्या होगा, जो रिएक्शन वो बाहर करता है वही रिएक्शन वो हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद भी करता है, मतलब पानी छोड़ता है, और जिससे हमारी बॉडी में एक्सेस में वाटर हो जाता है और हमारी बॉडी ब्लोट कर जाती है। थर्ड रीज़न ये होता है कि कभी भी हमें खाने में नमक को बहुत ज़्यादा तेज करके नहीं खाना चाहिए। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि हमें पिंक हिमालयन सॉल्ट ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, वाइट सॉल्ट को तो बिल्कुल ही हटा देना चाहिए अपनी किचन से। तो पिंक हिमालयन सॉल्ट में सोडियम बहुत कम होता है, तो इसलिए हमारी बॉडी ब्लोट नहीं करती और हमें इजीली हर खाना जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। थर्ड रीज़न ये होता है जो लोग अक्सर नहीं जानते हैं कि जब भी हमें प्यास लगती है और हम पानी नहीं पीते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है कि पानी ना पीने के आपने देखा होगा कुछ समय के बाद आपको प्यास लगनी बंद हो जाती है। हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड वाटर होता है वो ही पानी हमारी बॉडी को दे देता है और हमारी प्यास बुझ जाती है बिना पानी पिए ही। यही रीज़न होता है ब्लोटिंग का मेन, हम पानी नहीं पीते हैं प्यास लगने के बाद भी, तो वो जो बॉडी एक बार काम करती है वही काम वो बॉडी हमारी बार बार करने लग जाती है। टेंडेंसी हमारी बॉडी की ऐसी ही हो जाती है कि वो पानी बार बार छोड़ती है हमारी बॉडी, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी हर वक्त ब्लोटिंग का हम लोग शिकार रहते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ रीज़न जिसकी वजह से आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें कौन सी ऐसी मिस्टेक हम लोग करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है ब्लोट हो जाती है, वाटर रिटेंशन के शिकार हो जाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।